हे एवरी वन सो वंस अगेन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता कर एंटरटेनमेंट जी हाँ महज मतागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिग बिग बिगेस्ट न्यूज ऑफ द डे फ्रॉम द बिग हाउस बिग बॉस हाउस जी हाँ रणवीर सूरे जी हाँ जो हाँ, हाँ, वाकई में बहुत अच्छा खेल रहे थे और जिस हिसाब से उनकी एज थी फिफ्टी वन ईयर्स उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा वेल well प्लेट खिला और ख़ास तौर से वो फिनाले तक पहुंच गए थे टॉप फाइव में पहुंच गए थे और जहां तक अभी पता चल रहा है कि आज और कल शूटिंग होनी है और शूटिंग हो रही है और इसी के साथ बिग बॉस फिनाले का फर्स्ट एविक्शन हो चुका है जी हाँ रणवीर शोरे एविक्ट हो चुके हैं जिन्हें हकदार माना जा रहा था बिग बॉस की ट्रॉफी का मतलब सही में दोस्तों कितना दुख होता होगा ना कितना दर्द होता होगा कि हम बिल्कुल हमारे सामने कोई चीज़ रखी है हमारे हाथ में बिल्कुल आने वाली है और फिर हमारे हाथ से बिल्कुल दूर हो जाए हमेशा के लिए फॉर एवर तो कितना दुख होता होगा और रणवीर सूरे ने तो बहुत सारे सपने भी देख रखे थे अपने बच्चे के लिए जो भी में भी हो सकता है वो प्रैंक हो या जोक हो जो भी हो बट कहीं ना कहीं उनके दिल की बात थी पच्चीस लाख पच्चीस लाख पच्चीस लाख सो ये जो पच्चीस लाख के बारे में उन्होंने सोचा था अभी कुछ ऐसा भी आ रहा था कि पच्चीस लाख वो अपने बेटे को देना चाहते हैं जो कि फॉरेन में पढ़ रहा है ठीक है गायज वो तो बात की बात है लेकिन अभी सबसे ज़्यादा धक्का रणवीर शौर्य उनके सारे फैंस को लगा होगा इवन मी आल्सो क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर और डिजर्व करते हैं क्योंकि इस एज में भी मतलब आपने उनका एनर्जी देखा जितने भी टास्क होते थे ख़ास तौर से फिटनेस रिलेटेड वो हमेशा जीतते थे चाहे विशाल हो चाहे अरमान मलिक हों कटारियों सबको हरा देते थे सो रियली फील सेट फॉर हिम और बाकी में यार इवन रनरप तो उन्हें होना था विनर नहीं तो रनरप रनरअप नहीं तो विनर कुछ तो उनको देना था तो ये बहुत मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं वॉट दे वॉन्ट टू डू आई डोंट नो एग्जैक्टली बट बाकी में इट्स अ बिग लॉस एंड बहुत बड़ा धक्का रणवीर शोरू को रखा है उनके सारे फैंस को लगा हुआ है सो so, ये पहला एविक्शन था फिनाले टॉप तो फाइव जो पहुँचे थे उसमें से अब लेट सी साई के तन मकबूल नेजी एंड and... कृतिका मलिक इनमें से कौन बचा है जो रनरअप या विनर बन सकता है साई केतन का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता फुस्सी बम है जैसे हम जलाते ना बम को बहुत बिल्कुल फूटेगा उसका हाइट पर्सनालिटी लुक्स एंड ऑल देखकर लगता है लेकिन वो बिल्कुल फुस्सी बम की तरह फूटते ही नहीं है एंड uh, जहाँ तक है सना मकबूल नेसी में से ही लग रहा है फर्स्ट uh, विनर एंड रनरअप uh, आपका क्या कहना है बाकी कुछ भी हो सकता है भाई बिग बॉस की चले ना मेकर्स की तो कृतिका मलिक को विनर बना दे समझ रहे हैं सो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग खत्म करती हूँ और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा रणवीर सूर्य के एविक्शन को लेकर आपके क्या व्यूज हैं और क्या आप सोचते हैं एंड वन मोर थिंग डू सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल सो टिल देन बाय लव यू